खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से। प्रदेश में चुनाव के नजदीक आते ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा छिंदवाड़ा में कमलनाथ पर दिए बयान से फिर एक बार प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुलताई विधायक सुखदेव पांसे ने शिवराज सिंह चौहान के बयान की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। विधायक सुखदेव पांसे ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर दिए गए आपत्तिजनक बयान से उनका मानसिक दिवालियापन साफ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भाजपा से लड़ने को तैयार है। प्रदेश की जनता आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से परेशान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल छिंदवाड़ा की धरती पर जाकर आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ जो अनर्गणर घटिया स्तर की जो बातें की है, ये इनके मानसिक दिवालियापन को जनता के सामने दर्शित करता है। इनकी जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है, इनको हार सामने दिखाई दे रही है। आदरणीय कमलनाथ जी ने 44 वर्षों में छिंदवाड़ा की पवित्र धरती को अपने खून पसीने से सींचा है। कमलनाथ जी को कोई खत्म नहीं कर सकता, न कांग्रेस को कोई खत्म कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने 18 वर्षों में इस प्रदेश को कर्जे से लाद दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।